कैलाश चौधरी अपनी लोकसभा क्षेत्र में नगर निकाय चुनाव में जो प्रत्याशी है उनको अपने मूल मंत्र जो जीत का मंत्र है वो देने के लिए पहुंचे हैं बाड़मेर। बाड़मेर इसलिए भी टफ है कि यहाँ पर बीजेपी 10 साल से विपक्ष में है और इस वनवास को खत्म करना कैलाश चौधरी के लिए भी बड़ी टास्क है। आज जो 55 प्रत्याशी थे उनको जीत का मंत्र दिया है। कैलाश जी से जानते हैं कि किस तरीके से। कैलाश जी, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 10 साल से बीजेपी विपक्ष में है, कितना बड़ा। इसीलिए तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रति लोगों का विरोध है, क्योंकि उन्होंने 10 साल यहाँ पर बोर्ड होने के बावजूद भी यहाँ पर विकास नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों के अंदर आक्रोश है। और कांग्रेस की ये स्थिति हो गई यहाँ पर कि इनको 3 वार्डों के अंदर कैंडिडेट भी नहीं मिले, इसलिए यहाँ पर इस बार बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और सभी कार्यकर्ताओं के अंदर भी जोश है और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम करवाए और उनके ऊपर भरोसा है और जनता आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, इसलिए यहाँ पर इस बार का बोर्ड हमारे भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। सर, बीजेपी का पहला विकेट तो पहले दिन गिर गया, उनका फॉरम खारिज हो गया। ऐसा है कि फॉरम खारिज होना वो एक सत्ता का दुरुपयोग था और हमने उसका विरोध भी किया और उन्होंने जिस तरह से प्रशासन को दबाकर और जिस तरह से सरकार का दुरुपयोग हुआ है, क्योंकि एक इस वजह से फॉरम खारिज कर दिया उसका कि उसके पास में उसने कैश नहीं दिखा। जब किसी व्यक्ति का अगर कैश नहीं है तो वो कैश कैसे दिखा सकता है। उसको इसलिए खारिज कर दिया कि उसके एक सिग्नेचर नहीं थे, जबकि ये राइट बनता है और उसके सिग्नेचर को उसके रिटर्निंग अधिकारी को बुलाकर अगर कोई साइन खाली एक कोई रह जाता है तो उसको करवाने का अधिकार होता है। कौन कर रहा है सर सत्ता? ऐसा सत्ता में बैठे हैं, पूरी सत्ता मदमस्त में है और इनका जल्दी आने वाले समय के अंदर का सुपड़ा साफ होगा। और जो कांग्रेस इतने वर्ष तक जो सत्ता में रही है, आने वाले समय के अंदर हाशिए पे चली जाएगी और कोने के अंदर बैठेंगे संसद के अंदर। सर, अभी हम प्रत्याशियों को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि विपक्ष जो कांग्रेस वाले हैं वो धमका रहे हैं, ट्रांसफर की धमकियां दे रहे हैं, ऐसी कुछ भी बात है क्या? ऐसा है कि वो तो 60 साल तक उन्होंने जनता को धमकाया, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है और निश्चित रूप से वो मजबूती के साथ में मैदान में डटा हुआ है। हमने तो इमरजेंसी के हालात भी देखे हैं, इसलिए हम उनकी धमकियों से डरने वाले कोई हमारे कार्यकर्ता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो सत्ता का दुरुपयोग करके और जिस तरह से उन्होंने कुछ फॉर्म खारिज कराने का प्रयास किया है, कुछ सरकारी अधिकारी हैं या सरकारी कर्मचारी हैं उनको ये धमकी दे रहे हैं कि हम आपको बांसवाड़ा, डूंगरपुर या अन्य जिलों के अंदर भेज देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग कह रहे हैं कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमें कोई पाकिस्तान तो नहीं भेज रहे हैं, इसलिए यहाँ के जनता के अंदर भी और सरकारी कर्मचारी किसी से डरने वाले नहीं है। सर, आपने एक मूल मंत्र दिया, मैंने देखा, मैंने आपका भाषण भी सुना, तो किस तरीके से इन लोगों को मूल मंत्र प्लानिंग बताई जा रही है कि कमेटियाँ गठित करके किस तरीके से? ऐसा है, कोई भी चुनाव हो उसको रणनीति से जीता जाता है, चाहे वो युद्ध हो या चुनाव हो, ये भी किसी युद्ध से कम नहीं है। इसलिए रणनीति बनाकर निश्चित रूप से हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बैठकर तय किया कि हम किस तरह से वार्ड के अंदर जाएं और बूथ के ऊपर पन्ना प्रमुख जिस तरह से बना के हमारी रचना की जा रही है और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है और निश्चित रूप से मैं तो ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे मार्जिन से भी हमारे प्रत्याशी जीतेंगे और बहुत ज़्यादा मतलब अंकों के साथ में हमारे जीत के आएंगे पार्षद और हम बहुत अच्छे हमारे तीनों जो मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर जैसा बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के अंदर हम बोर्ड बनाएंगे। ये कैलाश चौधरी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि बाड़मेर में वनवास खत्म होगा और तीनों जगह पर बीजेपी का प्रचंड लहराएगा। दिनेश बोरा, बाड़मेर।